गाइस, चोर पुलिस के अजीबोगरीब केसेस आप हर बार सुनते हैं, लेकिन इस बार जो चीन का चोर पुलिस का केस आपको मैं बताने वाला हूं, इसके बाद आप अपना सिर पकड़ लोगे। गाइस, चीन के फुजोऊ में चोर को पकड़ने के लिए जिस तरह की जांच पड़ताल हुई उसके चर्चे पूरी दुनिया में हैं। दरअसल 11 जून की रात को चीन के फुजोऊ में एक घर में चोरी होती है और हर बार की तरह पुलिस आती है, लेकिन चोर का कुछ अता पता ही नहीं लगता है। पर इस बार किचन में अंडे और नूडल्स को देखकर पुलिस ने यह अनुमान लगाया कि चोर रात को पक्का यहीं पर ही रुका होगा। लेकिन हैरानी की बात तब हुई जब पुलिस को जांच पड़ताल में दो मरे हुए मच्छर मिल गए। पुलिस ने काफी होशियारी से अनुमान लगाया कि हो ना हो इन मच्छरों ने चोर का खून जरूर पिया होगा, इसलिए इन मरे हुए मच्छरों को इकट्ठा किया गया और उनके खून को डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया गया, जो कि टेस्ट के बाद एक क्रिमिनल से मैच हो गए और चोर पकड़ा गया। इसलिए कहते हैं कि चीन है तो वहां पर कुछ भी पॉसिबल है। आपको इस इंटरेस्टिंग घटना के बारे में सुनकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक मिलते हैं। गाइस, वैसे तो लोग अपने रूटीन वर्क से ब्रेक लेकर अन्य देशों में घूमने जाते हैं ताकि तरोताजा महसूस कर सके, लेकिन इस दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां अगर आप घूमने गए तो आप डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे। जी हां गाइस, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, और उस देश का नाम है नॉर्थ कोरिया। आप नॉर्थ कोरिया में सिर्फ और सिर्फ गाइडेड ट्रिप पर ही जा सकते हैं, यानी कि हर समय आपके साथ एक गाइड जरूर होना चाहिए। वहां पर ना ही तो कोई वाईफाई है, ना ही कोई सोशल मीडिया है, ना ही किसी तरह का रिलीजन है, और ना ही बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन। वहां के लोग टीवी में बस नॉर्थ कोरिया को प्रेज करने वाले प्रोग्राम भी देख सकते हैं और कोरियन आर्मी से जुड़े त्योहार ही मना सकते हैं। देश छोड़ने से पहले वहां की आर्मी आपका फोन पूरी तरीके से चेक करती है ताकि आप कुछ ऐसा शूट ना कर लो जो कि उनके खिलाफ हो। ओवरऑल नॉर्थ कोरिया एक ओपन एयर प्रिजन है। गाइस, क्या आप फिर भी नॉर्थ कोरिया जाना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो।